गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में कि यह हमारे प्रोग्राम में क्या काम करता है और इसकी जरूरत हमें प्रोग्राम बनाते समय क्यों होती है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन वाला जो सीरीज है मैं इस वीडियो को दो भाग में डिवाइड करूंगा। ये है पार्ट नंबर वन और पार्ट टू इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब हम लोग समझते हैं फंक्शन को कि ये कैसे हमारे प्रोग्राम में काम करता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस फंक्शन का यूज हम लोग अपने प्रोग्राम को ग्रुप में बांटने के लिए करते हैं। यहाँ से बातें कुछ क्लियर नहीं हो रही है, तो चलिए हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शन कैसे हमारे प्रोग्राम में काम करता है। तो गाइस मान लेते हैं कि आज मेरे घर में पार्टी है या दो दिन बाद पार्टी है, मान लेते हैं दो दिन बाद। अब उस पार्टी को अरेंज करने के लिए मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे शेफ को बुलाना है जो कि खाना बनाता है। सेकंड नंबर जो कि डेकोरेशन वाले को बुलाना है जो कि डेकोरेशन करता है। थर्ड हो गया साफ सफाई वाले को। तो ये बेसिक जो काम है हमें पार्टी के लिए अरेंज करने के लिए करने होते हैं। तो इसमें सबसे जो नोटिसेबल बात है, नोटिस करने वाली बात है सबसे पहले कि मैंने एक शेफ को बुलाया तो शेफ क्या करेगा, खाना बनाएगा। अब जो डेकोरेशन वाला है वो घर को डेकोरेट करेगा, पूरा लाइट से फ्लावर से सजाएगा। थर्ड नंबर पे जो है साफ सफाई वाला, वो घर की सफाई करेगा। तो यहाँ पे मैंने तीन लोगों को लिया है, तीनों अलग अलग काम करते हैं। तो गाइस ये तो था रियल वर्ल्ड एग्जांपल। अब चलिए हम लोग समझते हैं कोड बनाकर कि फंक्शन कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे एक कोड बना रहा हूँ जिसमें मैं एक रिमोट कंट्रोल प्रोग्राम बनाऊंगा, सिर्फ ट्रांसमीटर के लिए, रिसीवर के लिए नहीं, सिर्फ ट्रांसमीटर के लिए। तो ट्रांसमीटर मतलब कि एक रिमोट के लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो चलिए इसको प्रोग्राम को मैं कॉपी, मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने यहाँ अपने प्रोग्राम को कॉपी कर लिया। अब इसमें मैंने लाइन बाय लाइन इसमें कमेंट भी कर दिया है, कमेंट लाइन भी किया है कि जो अलग अलग लाइंस ऑफ कोड है क्या काम करता है। तो सबसे पहले मैंने एक पिन डिफाइन किया बटन के लिए जो कि आर्डिनो के पिन नंबर 2 पे कनेक्ट होगा। सेकंड बटन मैंने डिफाइन किया है जो कि पिन नंबर 3 पे कनेक्ट होगा और एक आयर LED जो कि ट्रांसमिट करने के लिए पिन नंबर 10 पर कनेक्ट होगा। तो गाइस ऊपर ये जो तीन लाइंस ऑफ कोड है ये इसमें मैंने डिफाइन किया है बटन को और ट्रांसमीटर को कि कौन से पिन पे कनेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लाइन नंबर 11 पे। तो इसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया बटन 1 वैल्यू। अब मान लीजिए मैं जब बटन 1 को प्रेस करूंगा तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए कोई वैल्यू मुझे ट्रांसमिट करना है जिसे वो रिसीवर रिसीव करके समझे कि हाँ मुझे पर्टिकुलर काम को लाइन्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। मान लीजिए मैंने बटन 1 के लिए यहाँ पे 55 वैल्यू असाइन किया और बटन 2 के वैल्यू के लिए मैंने 88 असाइन किया। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ 88 असाइन कर दूँ, यहाँ 77 भी लिख सकता हूँ, मैं 75 भी लिख सकता हूँ, लेकिन इजी हो इसलिए मैंने यहाँ 88 लिखा है। अब गाइस ये हो गया दो वैल्यू मैंने जो कि मैं ट्रांसमिट करूँगा बटन 1 और बटन 2 से। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एक वाइड सेटअप फंक्शन के अंदर। सेटअप में मैंने डिफाइन कर दिया है ऊपर मैंने तीन पिन को, दो इनपुट रहेगा एक आउटपुट रहेगा जो ट्रांसमीटर वाला जिसमें LED लगेगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वाइड लूप के अंदर। इसमें ये जो आप लोग देख सकते हैं वाइड लूप के अंदर जो कोड है इसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं मैंने एक और फंक्शन बनाया है वाइड चेक ट्रांसमिट, ये फंक्शन क्या करेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मैंने मेरे घर में एक पार्टी अरेंज किया तो उसमें मैंने तीन अलग अलग लोगों को बुलाया है तीन अलग अलग काम करने के लिए, एक डेकोरेशन, एक शेफ जो कि खाना बनाने के लिए और तीसरा है साफ सफाई करने वाले के लिए। तो मैंने इस प्रोग्राम अगर मैं इस प्रोग्राम को देखूँ तो एक मान लीजिए मैं जब बटन 1 को प्रेस करूँगा तो बटन 1 को प्रेस जैसे किया मैंने बटन 1 के लिए मैंने ऊपर 55 वैल्यू असाइन किया, 55 वैल्यू को ट्रांसमिट कौन करेगा। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया सेट ट्रांसमिट नाम का, ये जो है 55 वैल्यू को IR ट्रांसमीटर से LED से होते हुए वो ट्रांसमिट करेगा रिसीवर की तरफ।
तो ये सेट ट्रांसमिट नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया है ट्रांसमिट करने के लिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं वाइड लूप के अंदर क्या करेगा। इफ डिजिटल रीड बटन वन हाई, अगर बटन वन जैसे हाई होगा तो अब मेरा प्रोग्राम क्या करेगा कि सेट ट्रांसमिट बटन वन वैल्यू। अब बटन वन का वैल्यू मैंने असाइन किया है 55, तो ये ट्रांसमिट करेगा। तो ये हो गया बटन वन के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग एल्स इफ का इस्तेमाल किया है हम लोगों ने यहाँ नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में। इसमें डिजिटल रीड, इफ डिजिटल रीड बटन टू इक्वल टू हाई, अगर बटन टू हाई होगा तो फिर से ये सेट ट्रांसमिट बटन टू का वैल्यू, यानी कि 88 मैंने असाइन किया है ऊपर बटन टू का वैल्यू, तो ये उसको ट्रांसमिट करेगा। तो गाइस ये हो गया फंक्शन का जो डेफिनेशन है एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया। अब नेक्स्ट जो हम लोग जानने वाले हैं कॉलिंग द फंक्शन। कॉलिंग द फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया फंक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, उसके बाद मैंने आप लोगों को कोड से समझाया कि कैसे ये फंक्शन काम करता है, इसका यूज कहाँ होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कॉलिंग द फंक्शन, मतलब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब गाइस मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया है वाइड सेट ट्रांसमिट। ये क्या करेगा? वैल्यू को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। इसके अंदर जो हम लोग मैंने लिखा है लाइन्स ऑफ कोड, ये जो वैल्यू है 5588 इसको ट्रांसमिट करेगा। तो इसको हम लोगों ने किसी दूसरे फंक्शन से बाहर लिखा, अपने कोड में लिखा, लेकिन ये जो हमारा जो प्रोग्राम है इतना स्मार्ट नहीं है कि इसको डायरेक्टली समझ जाए कि हाँ हमको क्या करना है। तो इसको हम लोगों को कॉल करना पड़ता है मेन फंक्शन में जहाँ हमारा प्रोग्राम रन होता है, यानी कि वाइड लूप के अंदर। तो इसमें देख लीजिए मैंने इफ डिजिटल रीड बटन वन इक्वल टू हाई, अगर बटन वन जो हाई होगा तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेक्स्ट लाइन में मैंने फंक्शन को कॉल किया सेट ट्रांसमिट नाम का, जो कि वैल्यू को ट्रांसमिट करेगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं सेट ट्रांसमिट, उसके बाद बटन वन वैल्यू, यानी कि बटन वन का जो वैल्यू है 55 उसको ये असाइन करेगा, उसके बाद ये कॉल करेगा, यानी कि सेट ट्रांसमिट कॉल हुआ है। अब इसमें ये जो वैल्यू है 55 ये इसमें पुट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो हमारा ये आप लोग देख सकते हैं वाइड सेट ट्रांसमिट का फंक्शन जो है इसे ट्रांसमिट करेगा। उसी तरीके से हम लोग जब बटन टू को प्रेस करेंगे तो जब वो हाई हो जाएगा तो सेट ट्रांसमिट फिर से कॉल होगा, और इसमें क्या होगा बटन टू का जो वैल्यू है 88 ये ट्रांसमिट हो जाएगा IR LED के जरिए। गाइस आज की वीडियो में मैंने तीन टॉपिक को टच किया है, दी फंक्शन डेफिनेशन, एग्जांपल ऑफ फंक्शन एंड कॉलिंग दी फंक्शन। मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है इस वीडियो में समझाने के लिए आप लोगों को कि कैसे फंक्शन काम करता है। तो गाइस ये था फंक्शन का पार्ट वन वीडियो जिसमें मैंने तीन टॉपिक को टच किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा आप लोगों को पासिंग द आर्ग्यूमेंट, पासिंग कॉन्स्टेंट, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन, रिटर्न स्टेटमेंट। ये सारे टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में टच करूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।